खेती बाड़ी, बाग बगीचा, छत पर बागवानी, सरकारी योजनाओं और पशुपालन और कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें घर में बगीचा चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार घर में बगीचा चैनल में, और मैं हूं पंकज कुमार मौर्य। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान के कंडुआ रोग यानी फॉल्स स्मट के बारे में। यह रोग सभी किसान भाइयों को बहुत परेशानी देता है, इसलिए आज हम इसकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो भाइयों, जब धान की फसल में दाने बनने लगते हैं तो कुछ दाने फूल जाते हैं, और जब फसल 50% तक पक जाती है उस समय से इन फूलों फूले हुए दानों में चावल की जगह पाउडर बनने लगता है, जिससे वह दाना तो खराब होता ही है, साथ में उसका रंग पीला होकर और बाद में धीरे धीरे हरे कत्थई रंग का हो जाता है, जिससे फसल की कटाई के समय बहुत धूल निकलती है, और यदि हाथों से कटाई की जाती है तो यह बहुत ही परेशानी देता है। कभी कभी यह बाद में फसल पकने के बाद काला पड़ जाता है, जिससे उपज में बहुत भारी कमी आ जाती है और उपज में 30-50% तक कम उत्पादन मिलता है। ऐसी फसल को जब किसान बेचने जाता है तो उसका मूल्य बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि ये खाने के लायक नहीं रहते हैं। खराब दानों का पाउडर या जो स्पोर्ट्स होते हैं वह स्वस्थ दानों में मिल जाते हैं, जिससे स्वस्थ दानों का रंग फीका लगने लगता है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यह रोग लगता कैसे है या बनता कैसे है। तो पहला कारण यह है, जब हवा में नमी की मात्रा 90% के आसपास होती है और तापमान 25-35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी जो किसान भाई जल्दी धान की फसल लगाते हैं तो उसमें बालियाँ भी जल्दी निकलती हैं, परंतु उस समय लास्ट अगस्त से सितंबर के प्रथम पखवाड़े के बीच का जो समय होता है तो उस समय यह कंडीशन लगभग बन जाती है, तब यह समस्या ज़्यादा होने के चांस होते हैं। दूसरा कारण यह है कि जिस क्षेत्र में धान की फसल में पानी ज़्यादा समय तक भरा रहता है और किसान भाई उस खेत में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो भी यह समस्या बन जाती है। ज़्यादातर तराई क्षेत्रों में जहाँ कटाई के समय तक पानी भरा रहता है वहाँ यह समस्या ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो किसान भाई इस समस्या से परेशान होते हैं या हर साल यह रोग उन्हें परेशान करता है, तो वे क्या क्या सावधानियाँ या दवाओं का प्रयोग करके इस रोग से छुट्टी पा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सावधानियों पर। पहली बात यह है कि हमेशा शुद्ध व प्रमाणित बीज ही खरीदें और उसकी बुआई करें। दूसरी सावधानी जो है, जो किसान भाई बासमती या अन्य कोई भी प्रजाति का बीज दूसरे किसान भाइयों से लेकर लगाते हैं या घर के बीज की ही बुआई करते हैं, तो वह लोग ध्यान रखें कि जब नर्सरी डालनी हो तब आप बीज को कार्बेंडाजिम 50% WP उसकी 2-2.5 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बीज की दर से बीज शोधित करके ही नर्सरी डालें, यह बहुत हद तक रोक देता है कंडुआ रोग को। तीसरी जो सावधानी है, सबसे विशेष सावधानी यह है कि यदि आपके खेत में यह रोग आ गया है और फसल पकने वाली है तो ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे आप प्रभावी रूप से इस रोग पर नियंत्रण पा सकें, इसलिए जो नंबर 2 की सावधानी बताई है उसे ज़रूर अपनाएं, जिससे यह रोग आने ही ना पाए। अब बात करते हैं इसके केमिकल कंट्रोल की। तो किसान भाइयों, इस रोग की रोकथाम करने के लिए आपको बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपने ऊपर बताई गई सावधानियाँ नहीं अपनाई हैं तो आपको एक मौका और मिलता है, और यह मौका होता है बाली निकलते समय या फूल निकलने से पहले का। इस समय पर कुछ फफूंदी नाशक हैं जिनका प्रयोग करने से यह रोग नहीं लगता है, तो आप नाम लिख लीजिए। पहला जो केमिकल है वो है कार्बेंडाजिम 50% WP। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। दूसरा जो है वो है प्रोपीकोनाजोल 25% EC। इसकी 150-200 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। और जो तीसरा है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। अब जो चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं केमिकल, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह कब कारगर होता है जब आपके फसल में 1-2 दाने कहीं कहीं दिख जाएं। अगर शुरुआती लक्षण जब आपको दिखने लगे कि यह रोग हमारे खेत में आ रहा है, तब आप अगर इस केमिकल का स्प्रे कर देंगे तो 100% तक आपके खेत में
इस रोग को यह रोक देगा। यह बहुत ही प्रचलित और प्रभावी फंगिसाइड है जिसके एक स्प्रे से ही यह समस्या दूर हो जाती है, लेकिन यह थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है। यह दो फंगिसाइड का मिक्सर आता है और आपको जिस भी नाम से मिल जाए आप ले सकते हैं, बस आपको इन दोनों फंगिसाइड का मिक्सर मिल जाए तो नाम लिख लीजिए इसका। यह दोनों फंगिसाइड का जो नाम है वो है एजॉक्सीस्ट्रोबिन और दूसरा है डाइफेनोकोनाजोल। इन दोनों को मिक्स वाला केमिकल लेना है आपको और इसकी 15 से 20 ml दवा प्रति टंकी यानी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाकर बाली निकलते समय स्प्रे करना है। तो भाइयों, जितने भी हमने आपको केमिकल बताए हैं उनमें से किसी भी एक का आपको स्प्रे करना है, सभी को नहीं करना है। जो भी आपके यहाँ लोकल लेवल पर अवेलेबल हो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दूसरे किसान मित्रों को भी शेयर कर देना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के रखिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही चुनिंदा जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।